हेलो गाइस, आज हम आए हैं माता देवी तालाब जो कि पंजाब में एकमात्र 51 पीठों में से एक पीठ है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। देवी तालाब मंदिर जलंधर में बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलिए अपने जूता चप्पल जमा करवा कर तथा जूता घर के साथ ही हाथ धोने की सुविधा है। मंदिर के अंदर ही आप प्रसाद एवं मंदिर की अन्य सामग्री ले सकते हैं। हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले स्वर्ण मंदिर जो कि सरोवर के बीचों बीच स्थापित किया गया है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा, माता सरस्वती जी की प्रतिमा और माता दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चलिए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। देवी तालाब मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। प्रचलित कथा के अनुसार माता सती का एक अंग यहाँ गिरा था। माता सरस्वती जी, माता दुर्गा जी और मंदिर में माता लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। स्वर्ण मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। जय शिव। तो दोस्तों, हम स्वर्ण मंदिर के दर्शन करके आए जो कि तालाब के बीचों बीच है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तालाब है और बीचों बीच स्वर्ण मंदिर स्थापित किया गया है। भारत में जहां माता सती के अंग गिरे जगत कल्याण हेतु वहां 51 पीठों का निर्माण हुआ। माता सती का दाया स्तन यहां पर गिरा था जो कि पिंडी रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि पिंडी के स्तन रूप होने के कारण उसे हर समय ढका रहना चाहिए। इसलिए सरोवर से निकली हुई पिंडी को आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्ण विधि से स्थापित किया, जिसे त्रिपुरमालिनी माता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए भक्तों, त्रिपुरमालिनी माता के दर्शन करने आपको लेकर चलते हैं। जय मां त्रिपुरमालिनी। त्रिपुरमालिनी माँ के साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी तथा गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं तथा त्रिपुरमालिनी माँ की अखंड ज्योत भी यहाँ पर जलती रहती है। तो देवी तालाब मंदिर के अंदर ही काली माता जी का भी मंदिर है जो कि 400 वर्ष पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा रणजीत सिंह ने 1973 में करवाया था। काली माता के दर्शन के साथ साथ आप नव दुर्गा माता के भी दर्शन कर सकते हैं। 6 माह कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी माता, स्कंद माता, चंद्रघटा जी, कात्यायनी जी तथा महागौरी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता जी के साथ साथ आप यहाँ पे हनुमान जी के और गणेश जी के दर्शन भी करते हैं तथा साथ ही साथ यहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार स्थापित किया गया है, जहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। तो मंदिर के अंदर ही माँ चिंतपूर्णी जी भी स्थापित की गई हैं। जय माँ चिंतपूर्णी। तो काली माता जी के साथ साथ यहाँ पे शनिदेव जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जहाँ पर शनिवार के दिन पर काफ़ी भक्तजनों की लंबी कतार लगी होती है। जय भैरव जी, जय नरसिंह जी, जय बाबा बालकनाथ जी। हम काली माता जी के मंदिर में दर्शन करके निकल चुके हैं, जहाँ पे आपने शनिदेव जी के दर्शन किए
और नव दुर्गा माता जी के दर्शन किए। तो अब चलते हैं राम मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर बाबा हेमगिरी जी की समाधि है, जिन्होंने माता जी की काफ़ी सेवा की है और उनकी समाधि यहीं पर स्थापित है। श्री शीतला माता मंदिर, देवी तालाब मंदिर में आपको अब हम ले चलते हैं राम मंदिर। संपूर्ण राम परिवार यहाँ पे स्थापित है, जहाँ राम वहाँ पे हनुमान जी तो होंगे ही। देवी तालाब मंदिर में श्री शालासर बालाजी धाम भी है, जिसका भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर है, जिसकी दीवारों पर बहुत अच्छी चित्रकारी कला प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर अलग से हनुमान जी की मूर्ति के लिए भी मंदिर बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी गुफा, जो कि श्री गुलशन कुमार के ट्रस्ट से बनाया गया है। यह गुफा श्री माता वैष्णो देवी का रेप्लिका है, जिसमें प्रवेश करते ही आपको मानो ऐसा लगेगा जैसे आप वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए हों, तथा माता वैष्णो देवी के दर्शन करके काफी आनंद महसूस करेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं माँ वैष्णो देवी के। जय माँ वैष्णो देवी। तो वैष्णो माता के दर्शन के बाद यहाँ पर भैरव मंदिर भी है, जहाँ आपने भैरव जी के दर्शन जरूर करने हैं। जय भैरव बाबा जी। तो भक्तों, अब यहाँ पे अमरनाथ गुफा का रेप्लिका है, तो चलिए अमरनाथ जी की गुफा की तरफ। जय बाबा बर्फानी जी की। यहां से पूरे मंदिर का दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पे अमर कुंड का रेप्लिका भी बनाया गया है। तो अमरनाथ गुफा में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर कला प्रस्तुत करते हुए शिव परिवार तथा शिव विवाह का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें राजा दक्ष की बारात का इंतजार करते हुए दिखाई दिए हैं तथा शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर दिखाए गए हैं। शिव विवाह में बारात में कौन कौन शामिल था, यह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो अमरनाथ जी की गुफा से निकलने के बाद हम चलते हैं राम मंदिर की तरफ। तो भक्तों, ये मंदिर में दूसरा राम मंदिर है। यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो चुकी है, लेकिन अभी मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें राम परिवार, हनुमान जी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। तो आइए कैलाश पर्वत का एक मनोरक दृश्य प्रस्तुत करते हुए माता पार्वती जी की मूर्ति
माँ गंगा तथा भागीरथ ऋषि जी दर्शाए गए हैं। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जहाँ आकर बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो मंदिर परिसर में रहने के लिए यहाँ पे 3 धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे नॉन एसी का फेयर 600 और एसी रूम का फेयर 900 रुपीस है, तथा खाने में यहाँ पर सुबह शाम फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर लगा होता है, तथा यहाँ पे अन्नपूर्णा हॉल में 50 रुपये में थाली उपलब्ध होती है। तो मंदिर परिसर में ही गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।